टू अवर यूट्यूब चैनल दी द्वापर्स। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है हमारे लिए। आज की वीडियो कोई गाड़ी का रिव्यू नहीं है। आज हमारे अजीज दोस्त जिनको आप जानते ही हो, जो अक्सर ही हमारे रिव्यूज करते हैं, ये एक बाइक लेने वाले हैं। तो आज बात करते हैं। हम पहुंच गए हैं KTM के शोरूम जलंधर में। तो चरणप्रीत बताएंगे कि कौन सी बाइक ले रहे हैं, कौन सी डिलीवरी कराएंगे। हाँ जी, हम लेने वाले हैं KTM Duke 200 सीरीज। तो गाइस हम देखते हैं कि कौन सी बाइक ये ले रहे हैं। और बाइक दिखा दें आपको। और जो हम बाइक लेने आए हैं उसका भी पेपर वर्क चल रहा है, तो उतनी देर तक हम आपको और बाइक दिखाते हैं। ये कौन सी बाइक है? ये हस्कवर्ना स्वैट बिलन 401 390cc। नहीं नहीं, ये 400cc जो नवीन इंजन आया है ना, 390 वाला। हाँ ये वही है। 401 लुक्स देख लो इसकी, लुक्स तो बेटर है। ये लगभग ऑन रोड में लगा 350 के अराउंड पड़ेगा। 350-360 लाख के अराउंड पड़ेगा। और ये दूसरी सीरीज है जो KTM Duke 250। इन दोनों में से ना यो वो वाला जो पुराना डिज़ाइन है ना, वो मुझको अच्छा लग रहा था। ओके, KTM 200 वो जब हम अनवील करेंगे तो दिखा देंगे। तो ये रहा 250। इसकी जो सीट है ना KTM 200 से थोड़ी सी नीचे क्यों है, और जो जिन भाइयों की कम हाइट है उनके लिए तो ये बढ़िया है, पर जो KTM 200 है उसकी सीट काफ़ी ऊंची है। ऊंची है से, 20 mm की। जिनकी हाइट लगभग 5'7" या 5'7" से अबव है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और ये RC है, RC 200 ही है ना। इसका इंजन दूसरे जो नया मॉडल आया KTM 200 का उससे सेम है। हाँ, इन दोनों का इंजन सेम होता है। इसके जो लाए हैं वो ऑरेंज में आते हैं। ये है KTM का 200। ये ब्लू कलर है ना इसका? ब्लू कलर है। तो बैठकर दिखा दो इस पर। मेरी हाइट लगभग 5'11" 6 के करीब है। मेरे तो पैर चंद्रित की हाइट लगभग 5'11" है, ठीक है आपके लिए बैठने के लिए, पर जो उसके पीछे बंदा बैठेगा ना उसकी हाइट थोड़ा सा ऊंचा होगा। तो ये रही हमारी KTM 200 की अनवीलिंग, जो हमारे अजीज दोस्त चंद्रप्रीत जी ने लिया है। और कीज देते ही KTM चंद्रप्रीत जी का हुआ है। सही गल है, ठीक है। Thank you.